बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो चीफ कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद की जॉब्स 2024 के रिलेटेड है। ओटीएस की जानिब से चीफ कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद की जॉब्स 2024 जो अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशन और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई की सर्विसेज हैं वो भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 03186845766 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चीफ कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद की जॉब्स 2024 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2024 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जो है कैंडिडेट की 28 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 3 सीट्स हैं। इसमें इस्लामाबाद और सिंध के कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एचवीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बैचुलर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 1 सीट है और एज लिमिट की बात करें तो टोटल मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 25 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसके अलावा शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड जो है वो आपकी 40-80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 6 सीट्स हैं। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए जो है बेसिकली इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान के कैंडिडेट्स जो हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लेडी इंस्ट्रक्टर की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कटिंग, सिलाई, कढ़ाई का जो है वो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो है 25 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 5 सीट्स हैं। इस्लामाबाद और पंजाब के कैंडिडेट्स जो हम अप्लाई कर सकते हैं। यूडीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 3 सीट्स हैं। इस्लामाबाद और पंजाब के कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन प्राइमरी होनी चाहिए। इसके अलावा वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 30 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 5 सीट्स हैं और ओनली इस्लामाबाद डोमिसाइल के कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नायब कासब की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन प्राइमरी होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 25 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 2 सीट्स हैं और ओनली इस्लामाबाद कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। माली की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन प्राइमरी होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज आपकी 25 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है और ओनली इस्लामाबाद कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सैनिटरी वर्कर के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एजुकेशन प्राइमरी होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 25 ईयर्स एज है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है और इस्लामाबाद के कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले ओटीएस की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो है प्रोजेक्ट्स का। प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इतनी भी वैकेंसीज ओपन है वो शो हो जाएंगी। इधर आपके सामने ऑप्शन शो है ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ऑफलाइन। इनकेस आपने ऑफलाइन अप्लाई करना है तो आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन शो है ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ऑनलाइन। इसके सामने आपको ऑप्शन शो है व्यू डिटेल्स का। व्यू डिटेल्स के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इनकेस आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल व्यू डिटेल्स के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे वैकेंसीज जो है वो शो हो जाएंगी। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके सामने आपको ऑप्शन शो है व्यू का। व्यू के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने अकाउंट से अपना वो क्रिएट करना है। सबसे पहले अपने फुल नेम से अपना वो टाइप करेंगे। इसके बाद मोबाइल फोन नंबर इंटर करना है। इसके बाद CNSE नंबर इंटर करना है। इसके बाद अपने ई मेल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। अकाउंट जो है वो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद सबसे पहले अपने फादर का नेम जो है वो टाइप करेंगे। इसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस का नेम जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपने इंटर करनी है। इसके बाद अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने येस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप आर्म फोर्सेज से रिटायर्ड पर्सन है तो अपने येस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप करंटली गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो अपने येस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके
बाद अगर आपके पेरेंट्स जो है वो सिविल सर्वेंट थे और उनके ड्यूरिंग सर्विस जो है वो डेथ हो गई है तो अपने येस के ऑप्शन ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो अपने येस के ऑप्शन ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे अपने जेंडर जो अपना वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद रीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद कंट्री का नेम सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपने पोस्टल एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है, इसके बाद सिटी का नेम अपने टाइप करना है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे, प्रोफाइल पिक्चर जो अपने व्हाइट बैकग्राउंड में अपलोड करनी है और अपलोड एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है, सबसे पहले अपने क्वालिफिकेशन जो अपनी वो सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है, इधर आपके सामने ऑप्शन शो है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का, इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने डिग्री नेम जो अपना वो सिलेक्ट करना है, मैट्रिक साइंस में किया या आर्ट्स में किया आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स के नेम जो अपने वो टाइप करने हैं, फॉर एग्जाम्पल मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप ये इंटर करेंगे। इसके बाद पासिंग मंथ जो अपने वो टाइप करना है, इसके बाद पासिंग ईयर अपने टाइप करना है, इसके बाद एकेडमिक टर्म जो अपने वो सिलेक्ट करनी है, एनुअल सिस्टम में एग्जाम्स क्लियर किए हैं या सेमेस्टर सिस्टम में अपने ये सिलेक्ट करना है, इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करेंगे, इसके बाद ऑब्टेंड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं, इसके बाद अपने परसेंटेज जो है वो इंटर करनी है, इसके बाद डिवीजन जो अपने वो सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद स्कूल का नेम या कॉलेज का नेम या बोर्ड का नेम जो अपने वो टाइप करना है, इसके बाद एकेडमिक सेशन जो अपने वो इंटर करना है और ऐड के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ऐड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इसी तरह अपने हायर एजुकेशन की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। इसके बाद अपने टेस्ट सेंटर की जो है प्रेफरेंस वो सिलेक्ट करेंगे, टेस्ट सेंटर की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो रहा है सबमिट माय एप्लीकेशन फॉर्म का, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो रहा है डाउनलोड माय एप्लीकेशन का, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। डाउनलोड माय एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो आपका वो शो हो जाएगा, जो कि बेसिकली 250 रुपीज का, जो कि आप किसी भी HBL बैंक, बैंक अल्फला, अलाइड बैंक या भी मेट्रो बैंक की ऑनलाइन ब्रांच में जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो सबमिट करवाने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो प्रिंट करके इसे TCS करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं उसमें अपने 4 पासपोर्ट साइज व्हाइट बैकग्राउंड में पिक्चर्स जो अपनी वो अटैच करनी है, इसके अलावा CNIC की अटेस्टेड फोटोकॉपी अटैच करेंगे, इसके अलावा डोमिसाइल की अटेस्टेड फोटोकॉपी अटैच करनी है और इसके अलावा एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की अपने अटेस्टेड फोटोकॉपीज जो है वो अटैच करनी है और ये अपने TCS करना है ऑफिस नंबर 1 सेंट्रल एवेन्यू बहरिया टाउन फेज 6 इस्लामाबाद को, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल।